तुमने कितनी चैट भी कर ली। अच्छा तो तुम्हें यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट की क्लास देख लो। अच्छा जल्दी जल्दी में ज्वाइन कर लिया, सब्जेक्ट देखा ही नहीं। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? मैं एलसीआर कर रहे थे पिछली क्लास में। एलसीआर के आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डिवाइस यूज करने हैं, उससे पहले एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो जो टॉपिक्स रह गए हैं बाय मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल से कुछ कुछ डिवाइस करना है। क्वालिटी फैक्टर दिया था कल पढ़ के आने के लिए। देखो इसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो अभी तक हमने डिराइव नहीं किए हैं ना, जिनका डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट वो टॉपिक्स ज्यादा जरूरी है, तो वो एक बार हम लोग मॉड्यूल से उन टॉपिक्स को एक बार देखेंगे, है ना। एक बार मॉड्यूल ओपन अगर है तो टिक कर लेना। ये IRMS वगैरह ये हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो पावर कंज्यूम्ड और अप्लाइड इन अ एसी सर्किट, तो अब कितना पावर आता है हम लोगों ने यहाँ से निकाला था। फिर मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज अगर टाइम के साथ वेरी करे और उसका एवरेज निकालना हो तो जितने टाइम के लिए लगाना हो उसका इंटीग्रेशन कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में, और साथ में टाइम का भी इंटीग्रेशन कर देना। तो देखो एवरेज पावर फैक्टर एक टर्म होती है, कई बार जब क्वेश्चंस को देखोगे तो वहां पे एक टर्म आएगी पावर फैक्टर फाइंड करो, ये फाइंड करो। तो देखो ये पावर फैक्टर जब तूने फाइंड किया ना, तो कितने टाइम के लिए, 2π/ω मान लो यहाँ पे। तो कल भी जब मैंने भी लिखा था पावर फैक्टर, तो मैंने वहां पे एक वैल्यू रखी थी कि जो तुम्हारी पावर होती है वो किसके बराबर होती है, VI के, है ना। पावर होता है VI, और V और I के बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार तुम्हें फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये VI को अगर मैं यहाँ लिखूं, ये V होगा मैक्सिमम वोल्टेज, I भी होगा मैक्सिमम वोल्टेज, और जो ये cos phi है, cos phi जिसको हम क्या बोलते हैं, कितना फेज डिफरेंस है, इसी cos phi को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। यहाँ पे तो देखो VM IM cos phi, और ये किसके बराबर है, ये पावर, दिस इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ साइकिल। तो कभी भी जब तुम्हें एवरेज पावर निकालनी हो साइकिल में कि कितनी आई है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। इसका डेरिवेशन है वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, तो तुम डायरेक्ट भी यहाँ से याद कर सकते हो। एवरेज पावर किसके बराबर है, ये एम क्या है, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई कॉस फाई, फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब यहाँ से क्या लिखा है, देखो अगर दोनों को √2/√2 मल्टीप्लाइड किया है, तो दिस विल गिव यू द RMS वैल्यू। तो ये क्या बन गया, VRMS IRMS cos phi, तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ पावर, ठीक है। पावर फैक्टर इसमें से कौन सा है, ओनली cos phi। अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड द पावर फैक्टर, तो सिर्फ वो क्या पूछ रहा है तुमसे, cos phi की वैल्यू। ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां नोट्स बना रहे हो वहां पे ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। तो देखो क्या है एवरेज पावर का, ये कॉस फाई जो है किस चीज का रेशियो है, एवरेज पावर जो अभी एवरेज पावर जो फॉर्मूले से निकालते थे हम लोग, PdT/dt ये वाला, और कौन सा है, रेशियो ऑफ एवरेज पावर डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर।
ये वर्चुअल पावर कौन सी है जो तुम्हारी डीसी सर्किट से आती है, बीआई, और ये बीआई एसी सर्किट में हम लोग कैसे लिखते हैं, बीआरएमएस और आईआरएमएस, यानी ये इन चीज का क्या है, रेशो है। तो ये एक फॉर्मूला और है कि कॉस फाई किसके बराबर है, एवरेज ऑफ रेशो ऑफ एवरेज ऑफ वर्चुअल पावर। ये वर्चुअल पावर कौन सी है जो डीसी से मिलती है, आरएमएस वैल्यू, बीआरएमएस और आईआरएमएस। देखो पावर का फॉर्मूला बीआई है, तो वही चीज है ये बीआरएमएस और आईआरएमएस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, पावर फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड द इम्पीडेंस ऑफ द एसी सर्किट। कॉस फाई और कैसे निकाल सकते हो, देखो कॉस फाई कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है अभी तक जब हम लोगों ने, मान लो तुम्हारे पास कौन सा सर्किट लूं जिसमें तुम्हें ये कॉस फाई आर बाई जेड निकाल गए, एलसी या आरसी, कौन सा बताओ, कौन सा सर्किट लो, एलसी ले लो यस या आरसी ले लो, ठीक है आरसी सर्किट ले लो, रेजिस्टेंस यहाँ आता था और कैपेसिटेंस का सॉरी आर एल, इंडक्टर के लिए वो कहाँ पे आता था, एक्सएल यहाँ पे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देता था बच्चों, जेड, और हम लोग ये मानते थे कि ये फाई है। अभी तक मैं क्या निकलवाती थी तुमसे, टेन फाई, विच इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट, वो टेन फाई था, ये क्या है कॉस फाई। तो मुझे एक बार कॉस फाई बताओ, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है तुम्हारा, ये रेजिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बोलो, ये जेड, जेड, तो ये आर बाय जेड तुम्हारा इस सर्किट में क्या आया, यही तुम्हारा क्या है कॉस फाई। अगर एक्स सी वाला सर्किट लेना चाहो तो देखो एक्स सी में आर यहाँ आ जाएगा, कैपेसिटेंस में यहाँ आएगा है ना, कैपेसिटेंस इधर आएगा, कल तुम्हें फेसर डायग्राम बना के दिखाई थी, तो एक्स सी इधर आएगा, तो अब इसमें देख लो ये क्या देता था तुम्हें, जेड, तो कॉस फाई, यहाँ पे भी बेस तुम्हारा क्या है रेजिस्टेंस, और इसका भी हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, जेड, तो हर केस में तुम्हारा कॉस फाई क्या आने वाला है, आर बाय जेड। तो एक तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है आर बाय जेड का, ठीक है, पी एवरेज वही बी आर एम एस आई आर एम एस, ये तो पढ़ते ही आयो, और देखो किस पे डिपेंड करेगा पावर फैक्टर, की तुम किस कॉम्पोनेंट को यूज कर रहे हो है ना, किस कॉम्पोनेंट को यूज कर रहे हो, क्योंकि उस कॉम्पोनेंट के अकॉर्डिंग तुम्हारी जेड की वैल्यू आएगी और इस फाई की वैल्यू आएगी, राइट। ये जो भाई ये फाई निकालोगे ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, बस इतना ही था। तो क्या समझ में आया, और एक ये टॉपिक देखो, इफ अ प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए हमने देखा था ना एवरेज पावर कितनी आई थी, जीरो आई थी, बोलो देखी थी हमने, इंडक्टर और कैपेसिटर अगर अलग से लगाते हो, सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर का सर्किट कैपेसिटर का सर्किट है और इंडक्टर का, तो एवरेज पावर कितनी आई थी, जीरो। तो एवरेज पावर यानी इसका मतलब जीरो आने का मतलब क्या है कि कोई लॉस ही नहीं है पावर का, देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर में ऑप्शन मिले कि कितना पावर लॉस होता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए एवरेज पावर जीरो। बस यही टॉपिक था यहाँ पे पढ़ने के लिए, अभी तक इस चीज में तुमने क्या सीखा, एवरेज पावर निकालने सीखी, जो कि वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होती है, और पी एवरेज और किसके बराबर होती है, पीक वैल्यूज इंटू कॉस फाई, कॉस फाई किसके बराबर होता है आर बाय जेड। ये चीजें वो हैं जो तुम्हें भूलनी नहीं है, रटनी है, ये तो रटो, मुझे नहीं पता, बस याद करो, रटो, समझो, आई डोंट नो, ये तीन फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, पी एवरेज, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए एवरेज पावर कितना होता है, एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है, एवरेज पावर यानी कंप्लीट साइकिल के लिए बात करें तो एवरेज पावर कितना आता है, जीरो। और पावर फैक्टर सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस केस में होगा, जब तुम्हारा पावर फैक्टर वन हो जाएगा, और ये कब होगा, जब तुम्हारा इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाए, रेजिस्टेंस के बराबर, तो आर बाय आर कितना हो जाएगा, कॉस फाई वन, ये मैक्सिमम वैल्यू है भाई, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर क्या आई है, मैक्सिमम, बोलो यस और नो,
cos phi 1 हो गया ना r by z से, z की वैल्यू इम्पीडेंस अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो इम्पीडेंस इसके बराबर होगा रेजिस्टेंस के बराबर, तो cos phi कितना हो गया 1, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो तुम्हारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा, किसके केस में, रेजिस्टेंस के केस में। वही इंडक्टर और कैपेसिटर में कितना है, जीरो जीरो है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि एसी सर्किट में, एसी सर्किट से जो सवाल आ रहे हैं ना वो स्टेटमेंट बेस्ड और क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए तुम्हें ये सब चीजें पता होना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल से ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट तो यही है, और ये कॉस फाई किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट का मतलब है इंडक्टर की बात कर रहे हो, कैपेसिटर की बात कर रहे हो या रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, ये तीन ही एलिमेंट है, तीनों पे डिपेंड करेगा। बस यही है, क्वेश्चंस तो अभी मैं तुमसे बहुत कराऊंगी। अब सीधे एलसीआर सर्किट पे आ रहे हैं, छूट गया था वही एक बार डील करेंगे, एलसीआर सर्किट हो गया। यहाँ देखो कुछ तीन नई क्वांटिटी है ना, तीन नई टर्म्स है, मुझे पता है तुम मॉड्यूल्स पता नहीं पढ़ोगे या नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे तो नहीं रह सकती, पर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रह गए हैं वो मैं बता रही हूँ। ये टॉपिक रह गया था एडमिटेंस, सस्पेक्टेंस और कंडक्टेंस, ये तीन टर्म्स हैं। ये देखो क्या लिखा है, एडमिटेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, जो कल तक इम्पीडेंस निकालते आए हो जेड, उसका रेसिप्रोकल क्या है, एडमिटेंस, यानी जैसे रेजिस्टिविटी वो होती थी ना, कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी होती थी, तो ऐसे ही है इम्पीडेंस का उल्टा क्या है, एडमिटेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, है ना, इम्पीडेंस की ओम होती थी तो एडमिटेंस की कितनी हो जाएगी बच्चों, ओम इनवर्स। दूसरा है ससेप्टेंस, ससेप्टेंस क्या होता है, देखो रिएक्टेंस का उल्टा क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज कॉल्ड ससेप्टेंस। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, चलो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, वन बाई, है ना, अब ये रिएक्टेंस क्या है मुझे एक बार बताओ, व्हाट इज रिएक्टेंस, यहाँ पे कौन बताएगा रिएक्टेंस, हमने दो तरीके के रिएक्टेंस पढ़े हैं ना, दो तरीके के रिएक्टेंस पढ़े हैं, एक तो इंडक्टिव और दूसरा कैपेसिटिव, ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता था, ओमेगा एल, और कैपेसिटिव बच्चों वन बाय ओमेगा सी, तो यानी जब ओमेगा एल का रेसिप्रोकल करोगे दैट मींस वन बाय ओमेगा एल करोगे, तो ये वन बाय ओमेगा एल कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ससेप्टेंस, किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से, ठीक है, तो ससेप्टेंस। अब देखो ये अगर तुम टर्म से तुम्हें सब पता है, अगर ये टर्म नहीं पता होती और ये क्वेश्चन आ जाता तो तुम्हें इतना बुरा लगता कि भाई क्वेश्चन आता हुआ रह गया, तुम्हें वन बाय ओमेगा एल तो करना कर तो सकते ही हो, तो ससेप्टेंस क्या है, वन बाय एक्स, और ये एक्स क्या क्या हो सकता है, ये एक्स एक्स एल भी हो सकता है और ये एक्स एक्स सी भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तीसरा है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का जो अभी तक पढ़ते आए हैं वो तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है, तो कंडक्टेंस का उल्टा यानी रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ठीक है, यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। तो तीन चीज पढ़ी है, बताओ कौन सी पहली क्या पढ़ी है, एडमिटेंस, वेरी गुड, सेकंड क्या पढ़ा है, ससेप्टेंस, तीसरा कंडक्टेंस, राइट, तो तीन चीज, एडमिटेंस किसका रिवर्स है, एडमिटेंस, एडमिटेंस इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, सस्पेक्टेंस किसका है, ओमेगा,
ओमेगा एल और ओमेगा सी, ये तुम याद रखो ठीक है। कॉपी में नोट्स बना रहे हो या फिर मॉड्यूल से ही काम चला लोगे? मॉड्यूल से पढ़ लेना जैसी तुम्हारी इच्छा। नोट्स बनाओगे तो फायदा रहेगा क्योंकि रिवीजन के टाइम पे इतना समय तुम्हारे पास नहीं होगा कि तुम मॉड्यूल्स खोल के बैठो, है ना। मॉड्यूल्स तो इसी दौरान पढ़े जाते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एट द एंड जब कल पेपर देने जा रहे हो तो पेपर से 5 दिन पहले जब नोट्स खोल के रिवाइज करोगे उस टाइम पे मॉड्यूल्स नहीं खोलोगे। तो ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ ये अपनी नोटबुक में लिख लो। अब यहाँ पे देखो क्या है, कुछ कुछ जो हम लोगों ने कल एलसीआर पढ़ा था तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो तुम्हें जाननी जरूरी है, जैसे कि क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसीज और हाफ पावर पॉइंट। थोड़ी सारी हम पढ़ चुके हैं पर कुछ कुछ होती है ना टेक्निकल टर्म्स, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन उठाए तो टेक्निकल टर्म्स भी जानना जरूरी है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या लिखा है देखो, द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर इन द सर्किट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, है ना। इसका क्या मतलब है, देखो कल जब हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा था तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में पावर क्या आया था, पावर रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम था या मिनिमम, बोलो। मैक्सिमम। कल रेजोनेंस कंडीशन पढ़ा था तो करंट भी मैक्सिमम, रेजोनेंस का मतलब ही क्या है कि जो तुम्हारा सर्किट है उसमें कुछ कुछ चीज मैक्सिमम है, कौन सी, करंट मैक्सिमम है और पावर मैक्सिमम है, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट में एट रेजोनेंस कंडीशन पे तुमने कल देखा था कि करंट मैक्सिमम है और पावर मैक्सिमम है, ओके। जो ये अब रेजोनेंस कंडीशन बच्चों जब कल हुआ था तो रेजोनेंस कंडीशन किसी एक ही फ्रीक्वेंसी पे होता है या फिर हर फ्रीक्वेंसी पे होता है, किसी एक फ्रीक्वेंसी पे। कल एक हमने देखा था ना कि किसी एक पे मिलेगा वहां पे रेजोनेंस होगा, जहां पे रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा पावर मैक्सिमम हुआ, हाँ कि ना, क्योंकि इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में रेजोनेंस, इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में रेजोनेंस आया, सर्किट में रेजोनेंस आने की वजह से पावर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। वही चीज है जिस फ्रीक्वेंसी पे, देखो एक तो पावर मैक्सिमम हुई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, अब पूछा है कि मैक्सिमम पावर का आधा जब होगा तो उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, बोलो। पावर मैक्सिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, अब मैं बोल रही हूँ जो ये तुम्हारे पास पावर मैक्सिमम है मुझे इसका आधा चाहिए, तो अब ये आधा किस वैल्यू पे होगा उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं बच्चों, हाफ पावर, पावर फ्रीक्वेंसी। तो देखो बस टर्मिनोलॉजी से खेला गया है, कल तुमने पावर मैक्सिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे था, अब तुम्हें मैक्सिमम का आधा चाहिए तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो ये पावर किसके बराबर है, देखो मैक्सिमम बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैक्सिमम बाय टू है और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल, यहाँ इस पॉइंट पे तो करंट मैक्सिमम था, इसी पॉइंट पे तुम्हारा पावर भी मैक्सिमम है, और ये जो एफ आर है ये तुम्हारी एफ आर का क्या मतलब है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसपे तुम्हारा मैक्सिमम पावर है, और ये एफ वन और एफ टू कौन सी फ्रीक्वेंसी थी बच्चों, एफ मिनिमम और एफ मैक्स जो कल हमने पढ़ा था, बाकी ये सेम है, बोलो। अब तुम्हारे पास कितनी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ पे हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कितनी है कि जहां पे तुम्हें मैक्सिमम पावर का आधा मिलेगा, ये जो एफ वन और एफ टू है जो कल हमने एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम से डिनोट करी थी, ये एफ वन और एफ टू कौन सी फ्रीक्वेंसी है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी है हाफ पावर, ठीक है। इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना हो जाएगा, देखो 1/√2, यानी अगर यहाँ पे तुम्हारा करंट आई मैक्सिमम है पीक वैल्यू पे, अब इनकी वजह से देखो यहाँ पे करंट की एक वैल्यू है, कल हमने आई एफ में ग्राफ ड्रॉ किया था ना आई और एफ के बीच में,
ये पावर के बीच में है, तो ये पावर की वैल्यू एक एफ वन पे और एफ टू पे पावर की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। तो यहाँ पे कितनी पावर होगी, मैक्सिमम का 70% है, मैक्सिमम का यहाँ पे 70% करंट होगा। तो कितना एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम पर तुम्हारी मैक्सिमम करंट का 70% है, तो ये दीज आर द 70% ऑफ आई मैक्स। ठीक है, आई मैक्स कौन सा करंट है जो कि रेजोनेंस पे मिला है, पावर फ्रीक्वेंसीज होगी एफ वन और एफ टू। अब यहाँ पे दो टर्म आई है देखो, एक तो लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, दूसरी अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी है, दिस हाफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो ये एफ आर और ये एफ वन, तो ये एफ वन जो वाली फ्रीक्वेंसी है ये रेजोनेंस से बड़ी है कि कम कि छोटी है। देखो ये देखो एफ वन एफ आर एफ टू, एफ वन एफ आर एफ टू, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एफ वन। ये ग्राफ है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ऐसे वैल्यूज बढ़ती है ना। yes, तो ये सबसे बड़ी कौन सी हो गई, सबसे बड़ी एफ टू हो गई। तो यही बोला है कि जो तुम्हारी अपर हाफ फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, और लोअर हाफ का मतलब क्या बोला है, लोअर इसके आगे लोअर क्यों लगाया है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी है। तो ये वाली बात कही है, तो तुम देख लो, अब लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम तो नाम लोअर हो गया, हाइयर फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तो उसका नाम क्या रख दिया, अपर हाफ। हमने कल किससे बोला था, एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम से, और इस कहीं के बीच में कौन सी फ्रीक्वेंसी आई थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बोलो कुछ डाउट है यहाँ तक, नो मैम अभी तक ऐसा आया ही नहीं है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देख लो जो कि फिजिक्स की टर्म में तुमसे पेपर में पूछी जाएंगे, ये इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, तो अभी तुमसे पूछे कि जो अगर सवाल आता है कि लोअर पावर फ्रीक्वेंसीज पे, मान लो लोअर पावर फ्रीक्वेंसी आता है कि एट लोअर पावर फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, कितना है, ना हो जाएगा आई मैक्सिमम का बाय रूट टू, आई मैक्सिमम का वन बाय रूट टू, क्योंकि कितना परसेंट है, 70% है, देख लो 70% करंट है, तो 70% यानी वन बाय रूट टू, इतना जमा। और लोअर पावर फ्रीक्वेंसी पे, लोअर पावर फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम पावर का कितना पावर है, बोलो, दो चीजें पावर फ्रीक्वेंसी में, दो चीजें अभी तक आई हैं, शॉर्ट नोट में लिख लो, पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये लिखो, इसमें दो चीजें, एक तो करंट, दूसरा पावर। तो करंट तो तुमने बता दिया कि आई मैक्सिमम का रूट टू है, पावर भी पढ़ा है, कितना पावर कितनी हो जाती है मैक्सिमम का, नाम में ही लिख रहा है हाफ, तो पावर कितनी हो गई, आधी। ये दो चीजें, ये ऐसा ग्राफ चार्ट बनाओ, हाफ पावर मैक्स फ्रीक्वेंसी पे लिखो करंट कितना होगा इस पे आई मैक्सिमम का बाय रूट टू, पावर कितनी हो जाएगी पी मैक्सिमम का बाय टू। अच्छा अब मुझे एक बार बताओ बच्चों, ये आई मैक्स और पी मैक्स क्या है, कौन बताएगा बच्चों, ये आई मैक्स और पी मैक्स क्या है। मैम आई मैक्स करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, आई मैक्स क्या है, करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। पी मैक्स पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, समझ में आ गया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का लफड़ा क्या है, बस यही हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। पर ये इसलिए जरूरी है
क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो कई बार पेपर में सवाल रह जाते हैं। बैंडविड्थ, मैं एक बात बताऊं, एसी सर्किट एक ऐसा एसी ईएमआई, एसी सर्किट और ईएमआई, ये जो दो चैप्टर है ना, एसी ईएमआई और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं बच्चों, ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं कि अगर ये तुमने बस एक बार भी अच्छे से बस कॉन्सेप्ट बैठा लिया ना, इनमें से न्यूमेरिकल कहीं ऐसा है ही नहीं कि कुछ अलग बना के दे दें। जैसे मैकेनिक्स में तो कितनी प्रैक्टिस कर लो, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा नहीं होगा सॉल्व, मैं बता रही हूँ। इनपुट आउटपुट की अगर बात बताऊं, मैकेनिक्स में तुम्हारा जो इनपुट लगता है ना, बहुत ज्यादा लगेगा। और हो सकता है, मैं एज अ टीचर भी बोल रही हूँ, हो सकता है मैकेनिक्स का एक आध क्वेश्चन ना निकले बहुत मेहनत करने के बाद भी, बट जो तुम्हारा एसी करंट है और जो तुम्हारा ईएमआई है और मैग्नेटिज्म है, इन तीनों चैप्टर में बस तुम एक बार बस कॉन्सेप्ट बैठा लोगे, चीजें रिवाइज कर लोगे, तो इन चीजों से बाहर कोई सवाल बनेगा ही नहीं, कोई है ही नहीं कुछ चीज इसमें क्या पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा। बट मैकेनिक्स तो इतनी बड़ी है, वहां तो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई वो। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इनपुट आउटपुट रेशियो जरूर देखो। कि अब बच्चे पता क्या करते हैं, मैकेनिक्स को सॉल्व करते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करते रहेंगे, वो ऐसे टॉपिक्स हैं, उन्हें जितना सॉल्व करोगे उसके अंदर जितना घुसोगे उतना तुम्हें अच्छा लगेगा और क्वेश्चंस नहीं भी होंगे। तो हमें क्या निकालना है, एंड जेई निकालना है। तो इनपुट आउटपुट रेशियो देख के चलो, ये तीन चैप्टर मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी एकदम स्कोरिंग है और आसान भी है। उसके बाद तुम्हारी ऑप्टिक्स आ जाएगी, वो अलग महाभारत है। तो इनको चैप्टर को ये मत करना, ये तो इजी है, क्या ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आते हैं भाई, खूब क्वेश्चन आते हैं। अब बात हुई बैंडविड्थ, बोलो मैम, ऑप्टिक्स आसान है? आसान हाँ, मतलब ज्यादा टफ भी नहीं है। ऑप्टिक्स भी ऐसी है कि अगर कॉन्सेप्ट देखो, कुछ चीज ऐसी होती है कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तो उनसे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। बट मैकेनिक्स ऐसी चीज है कि मैकेनिक्स में ना क्वेश्चन को समझने में बहुत समय लग जाता है कई बार, क्योंकि उसमें बहुत मेथड, तुम देखोगे कि फ्रिक्शन को सॉल्व करने के 10 मेथड लगा देते हैं टीचर। मैं तुम्हें अलग मेथड बताऊंगी, दूसरा टीचर अलग मेथड बताएगा, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन एक ही तरीके से निकलेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट से ही लगेंगे। तो ऑप्टिक्स भी आसान है, बस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं आएगा, जो पढ़ोगे उसी के अंदर ही आएगा। अब मैकेनिक्स में क्या करते हैं, मैकेनिक्स में तो भाई रोटेशन में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में रोटेशन, टेंशन उसमें। अब एक तुमने टेंशन पढ़ी है पर तुमने रोटेशन नहीं पढ़ी, अब तुमसे अगर टेंशन में रोटेशन आ गया तुमसे वो क्वेश्चन ही नहीं होगा, है ना। तो ये चीज होती है मैकेनिक्स में, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो ये चैप्टर आसान है, इसको ऐसे मत छोड़ के जाना, इसको पढ़ के जाना कोर के लिए। बैंडविड्थ देखो क्या है, बैंडविड्थ क्या कह रही है, डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यानी जो तुम्हारी एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम है इनके डिफरेंस को क्या बोल दिया, बैंडविड्थ, है ना। ये क्या है, ये बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ का मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी के बीच की जो रेंजेस हैं, एक बात बोलो उन्हीं को बोला है बैंडविड्थ, ठीक है। और सीरीज रेजोनेंट सर्किट देखो, अब इन्होंने बोला है सीरीज एलसीआर एट रेजोनेंट सर्किट, एलसीआर पढ़ा था हमने सीरीज में, पैरेलल वाला तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सीरीज एलसीआर में अगर तुमसे पूछी जाए बैंडविड्थ निकालो डेल एफ, तो ये उसका फॉर्मूला है, ये कैसे आया है बताओ, बैंडविड्थ डेल एफ है, ये कैसे आया, कोई डिराइव करेगा कैसे आया है, मैम ओमेगा एल से। कल जो तुमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो क्या निकाली थी, 1/√LC। अच्छा ये तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हो मेगा नॉट तुम्हारा कल 1/√LC आया था, तो मेगा नॉट को रखो क्या 2 πfc, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आएगी,
वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी। तो ये तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आई है। अच्छा अब इसमें इन्होंने इसको आर एल की फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम और कैसे कर सकते हैं? वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। अच्छा रेजोनेंस है ना, ठीक है रेजोनेंस है। इसका देखते हैं कि ये कैसे आया। एक बार इसको ये फॉर्मूला नोट कर लो, इसको कैलकुलेट ये कैसे आया है ये एक बार चेक करेंगे कैसे आया है, ठीक है। मैम ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू आर नहीं होगा? ओमेगा नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर? ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू आर नहीं होगा? ओमेगा नॉट एल इक्वल्स टू आर क्यों? तभी आएगा ये रेजोनेंस। अच्छा ये तुमने एफ को क्या लिख दिया, टू पाई एफ टू पाई न्यू विच इज ओमेगा। अगर इसको यहाँ ले जाएं तो टू पाई एफ हो गया और ये हो गया आर बाय एल, है ना। टू पाई एफ तुम्हारा ओमेगा, ये ओमेगा आर बाय एल है और आर बाय एल की वैल्यू यहाँ पे आर बाय एल आई है। इस क्वेश्चन इस यहाँ से आया है ओमेगा आर बाय एल। आर बाय एल तो नहीं आता, एक सेकंड रुकना। ठीक है अभी इसको एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि कैसे आया है ये, क्या पता आगे मिल जाएगा। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हारे बैंडविड्थ की वैल्यू होती है 1 बाय 2 पाई आर बाय एल। चलो देखते हैं इसको स्टार मार्क कर लेते। अब दूसरी बात आती है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है देखो, मैक्स एनर्जी स्टोर्ड इन पर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड और द एनर्जी डिसिपेट इन पर साइकिल, यानी एक साइकिल में वो जो एक साइकिल है उसमें तुम्हारे पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी और डिवाइड करोगे कितनी एनर्जी डिसिपेट हो गई है, तो वही क्या है क्वालिटी फैक्टर। देखो क्वालिटी फैक्टर नाम से पता चल रहा है कि एलसीआर सर्किट की क्वालिटी बताएगी कि यानी कितना एनर्जी तो तुम्हारे इस सर्किट ने स्टोर करके रखी है और कितना एनर्जी क्या कर दी उसने वेस्ट कर दी, तो वही क्या वही तुम्हें क्या बताएगा क्वालिटी फैक्टर। तो एलसीआर सर्किट में क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर है देखो, ओमेगा बाय आर के। ये बैंडविड्थ भी ओमेगा बाय आर ही है, वही मेरी ओमेगा बाय आर ही आ रहा था ये। तो किसके बराबर है रेजोनेंस सर्किट में तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर, ओमेगा एल बाय आर। ये जो ओमेगा आर का मतलब है रेजोनेंट ओमेगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस आएगा वो वाली फ्रीक्वेंसी ले ली। एल इंडक्टर बाय आर यानी ये है एक्सएल बाय आर, इसे क्या बोला गया है क्वालिटी क्वालिटी फैक्टर।
ये बस ये टर्म याद रख दो, ओमेगा एल बाय आर, बाकी तो तुम जैसे जैसे करते जाओगे आगे आगे होता जाएगा। और एक और है देखो, अगर तुम्हें बैंडविड्थ की फॉर्म में लिखना है तो क्या है देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया एफ आर, बैंडविड्थ क्या हो जाएगी दोनों का माइनस, यानी एफ टू माइनस एफ वन। ये क्या हो गया तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला बैंडविड्थ की फॉर्म में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। पहला फॉर्मूला ये रहा क्या, ओमेगा एल बाय आर। ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, देखो इनका कुछ और वो नहीं है। ओमेगा एल बाय आर यानी एनर्जी स्टोर, एनर्जी कौन स्टोर करेगा मुझे बताओ। तुम्हारे पास तीन चीजें हैं, ये क्यों आया है ओमेगा एल बाय आर, ये समझो। एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है और तीसरा इंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे एसी सर्किट है, अब मुझे ये बताओ एसी में कौन का एनर्जी स्टोर करेगा, या तो इंडक्टर करेगा या कैपेसिटर करेगा, ये दो ही करेंगे ना। यस मैम। भाई रेजिस्टेंस तो एनर्जी स्टोर करेगा नहीं, या तो कैपेसिटर या इंडक्टर। रेजिस्टेंस का काम क्या है, एनर्जी को वेस्ट करना। भाई रेजिस्टेंस तो एनर्जी को बस वेस्ट करेगा, क्योंकि तुमने पावर देखी थी इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में जीरो थी, पर रेजिस्टेंस के केस में जीरो नहीं थी। दैट मींस कि रेजिस्टेंस में पावर का लॉस होगा। तो अभी देखो ऊपर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड अगर इंडक्टर में हुई है तो क्या लिखोगे, इंडक्टर का ओमेगा एल, और लॉस किस में होगी बच्चों, रेजिस्टेंस में। तो एक फॉर्मूला आया ओमेगा एल बाय आर। दूसरा फॉर्मूला, अगर एनर्जी कहां स्टोर हुई है, कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर का क्या आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस वन बाय ओमेगा सी, और एनर्जी लॉस तो अभी भी किसमें होगा, रेजिस्टेंस में, तो ये आ गया वन बाय ओमेगा सी आर। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे आए हैं, अब तो याद हो जाएगा ये कि ये फॉर्मूला क्यों आए हैं दो। यस मैम। या तो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी या इंडक्टर में। रेजिस्टेंस का काम है एनर्जी को उड़ाना, वेस्ट करना, तो हमेशा एनर्जी वेस्ट होगी तो पावर डिसिपेटेड की फॉर्म जहां पे है अपॉन में, वहां पे रेजिस्टेंस ही आएगा। ओके और क्वालिटी फैक्टर तुम्हारा बैंडविड्थ की फॉर्म में क्या हो गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर अपॉन एफ टू माइनस एफ एन एफ वन। फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा अगेन। अगला क्या है, इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर आर विल बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, इसने बोला है रेजोनेंस के केस में जो वोल्टेज के पास रेजिस्टर है, रेजोनेंस आ गई, ठीक है रेजोनेंस आ गई, मान लो यहाँ पे जो वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अब ये बोल रहा है कि जब रेजोनेंस आएगी तो जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के पास वो वही वोल्टेज होगी जो तुम्हारे सर्किट की वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज ई। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी इक्वल, और ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के पास जो वोल्टेजेस हैं ये रेजोनेंस के केस में क्या होने वाली है, बराबर। वो तो हमने कल डायग्राम देखा था, ये वी नॉट आर था, ये वी नॉट एल और ये वी नॉट सी। तो रेजोनेंस के केस में ये दोनों क्या हो गई थी, वी नॉट एल और वी नॉट सी, बराबर ही तो हुई थी। तो ये वही लिखा हुआ कि वोल्टेज क्या हो जाएंगी, इंडक्टर के पास और कैपेसिटर के पास बराबर हो जाएंगे, और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू ई e क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, और क्यू क्या है, चार्ज। ये मल्टीप्लाई हो क्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है वोल्टेज का, इंडक्टर के पास कितनी है आई ओमेगा एल, और कैपेसिटर के पास कितना है वन आई बाय ओमेगा सी। देखो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर, अगर इंडक्टर के पास देख रहे हो तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ओमेगा एल। तो ये देखो इंडक्टर के पास वो उतना ही आया है आई ओमेगा एल, फॉर्मूला वही है वी इक्वल्स टू आई आर, तो कितना आ गया आई ओमेगा एल। अब करंट कितना होएगा, जो तुम्हारी अप्लाइड वोल्टेज है ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया तुम्हारा ओमेगा एल। अब मुझे बताओ ये करंट जो है रेजोनेंट के टाइम पे, रेजोनेंस के टाइम पे जो ये मैक्सिमम करंट होगा ये किसके बराबर होगा, ये वी नॉट के बराबर डिवाइडेड बाय, देखो अब कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस और इंडक्टर का कैपेसिटेंस बराबर होके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, सिर्फ किसका बचेगा रेजिस्टेंस का। तो मैक्सिमम करंट कितना आया, वी नॉट बाय
आर, तो ये वही चीज है। अब आई की जगह क्या लिख दोगे, वी नॉट बाय आर ओमेगा एल, बोलो रियल आ गया? दोबारा समझाऊं क्या? देखो शुरू से समझो, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस तुम्हें चीजें निकालनी सिखाई है कि रेजोनेंस के टाइम पे, ये मैथमेटिकल चीजें हैं। रेजोनेंस जब होगा, अगर तुमसे पूछा जाए इंडक्टर के पास कितनी वोल्टेज है कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है आई आर, रेजिस्टेंस कितना होता है इंडक्टर के पास ओमेगा एल, ओमेगा लिख दिया। अब ये आई है पीक वैल्यू, भाई जो इस सर्किट से जो करंट निकलेगा आई नॉट, अब उसी की वैल्यू तो यहाँ लिखोगे, तो ये आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, रेजोनेंस के टाइम में इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के पास होता है, तो ये आई कितना हो गया आई नॉट बाय आर ओमेगा एल, और ये ओमेगा एल बाय आर क्या हो गया तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर, तो ये किसके बराबर हो गया, क्वालिटी फैक्टर में अगर क्या मल्टीप्लाई कर दो, ये वी नॉट मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सेम कैपेसिटर के साथ है देख लो, ठीक है, और रेजिस्टेंस के केस में कितना हो जाएगा, सिर्फ वी नॉट। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, सब पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, कोई नया कुछ नहीं है इसमें। एलसीआर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एलसीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो छोटी छोटी चीजें लिख रही है बैंड विथ लोअर फ्रिक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर, इनके फॉर्मुले तुम्हें रखने पड़ेंगे, घोट के पी जाओ, फॉर्मुलेज हैं पीने पड़ेंगे भाई, एकदम याद करना पड़ेगा, जैसे कि क्वालिटी फैक्टर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस, और ये पर साइकिल है तो ये भी याद रखना, पर साइकिल के लिए तुमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई बाय टी से, अगर नहीं दे रखी है तो गिवन। शार्पनेस हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, देखो रेजिस्टेंस अगर जीरो है यानी मैक्स सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है, तो करंट कितना जाएगा मैक्सिमम, तो देखो शार्पनेस बढ़ गई, जैसे ही तुमने रेजिस्टेंस हाई किया तो करंट कितना चला गया लो, तो शार्पनेस क्या हो गई गिर गई, तो ये कल हम लोगों ने देख लिया था, देख तुम पढ़ सब चुके हो पर यहाँ पे तुम्हें टर्मिनोलॉजी अलग लग रही है, इस वजह से कंफ्यूज मत हो, एक एक अलग यहाँ पे देखो टर्म आई फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, वैल्यू याद कर लो कितना है पाई 2 बाय रूट 2। फॉर्म फैक्टर क्या है कि कोई एसी की आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, अब उसको तुम किससे डिवाइड कर रहे हो, अब ये फॉर्म फैक्टर किसके फॉर्म में है, करंट के लिए है ना, तो आरएमएस करंट डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी हाफ साइकिल, क्योंकि अगर पूरी कंप्लीट साइकिल लिखोगे तो क्या हो जाएगा जीरो, भाई साइनोसोडियल में होगा ना, हर वोल्टेज भी साइनोसोडियल में आएगी और करंट भी साइनोसोडियल में आएगा, तो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाएंगे जीरो एवरेज, भाई कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज क्या हो जाएगा जीरो, याद है पढ़ा था कंप्लीट साइकिल के लिए तो जीरो हो जाएगा, yes, तो इसलिए किस कितनी साइकिल के लिए लिया है तुमने यहाँ पे हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव पूरी साइकिल लेती तो जीरो हो जाता, तो आर एम एस करंट ऑफ ए सी और ये क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल आई आर एम एस हमने फाइंड किया था, कर लोगे इजी से, और एवरेज हाफ करंट निकाला था 2 आई नॉट बाय पाई, अगर तुम्हें कुछ याद हो तो, आधी साइकिल के लिए निकाला था ना 2 आई नॉट बाय पाई, नोट्स में देखो अपने, करंट एवरेज करंट निकाला था जीरो से लेके टी बाय 2 के लिए, टाइम के लिए जिस टाइम में तुम्हारी जो ये वेव है ये पॉजिटिव रहेगी, देखो तो जीरो से टी बाय 2 पॉजिटिव, उसके बाद ये नेगेटिव हो गई, तो दोनों कैंसिल कर देंगे जीरो से टी टाइम के लिए, तो इसलिए कहां से कहां निकाला है जीरो से टी बाय 2, ठीक है, यस मैम, बाकी ये बच्चे तो फॉर्म फैक्टर, यस मैम,
याद होना चाहिए आरएमएस वैल्यू, करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी, आरएमएस वैल्यू और हाफ साइकिल, बस पूरी साइकिल इसलिए नहीं ली क्योंकि एवरेज करंट जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ लिखती हूँ आरएमएस और एवरेज, क्योंकि तुम आइडिया लगा लोगे कि पूरी साइकिल के लिए तो होगा नहीं, पूरी में तो जीरो ही हो जाएगा, तो आरएमएस अपॉन में एवरेज, इसी को बोला है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूले याद करने हैं, अगली क्लास में मैं तुमसे पूछूंगी कि फॉर्म फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर क्या है, और शार्पनेस क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, बैंडविड्थ क्या है। क्वालिटी फैक्टर तो समझ में आ ही गया होगा कि कितना पावर स्टोर, कितना पावर डिसिपेट स्टोर होगा, या तो तुम्हारे इंडक्टर या कैपेसिटर में, बस ये चीजें हैं। हाफ पावर भी तुम समझ गए हो, एक और टॉपिक बच गया ट्रांसफॉर्मर, ये हम अभी नहीं कराएंगे, ये अगली क्लास में जब रिवीजन होगी तुम्हारे इस चैप्टर की उसमें मैं कराऊंगी, वरना तो अभी तुम लोग करो न्यूमेरिकल दो चार, ज्यादा नहीं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो बस पुराना। क्यों करेंगे टफ टफ नहीं कराऊंगी, एकदम तुम्हें कॉन्सेप्ट जो समझ में आ जाए उसी के बेसिस से कराएंगे। करना नाइन्थ क्वेश्चन, क्वालिटी फैक्टर पूछा है, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है, इज कनेक्टेड टू ए एसी सोर्स, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट विल बी, तो सबसे पहले तुम्हें तो अभी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ओमेगा यूज करोगे तो ओमेगा एल, ओमेगा चाहिए, ओमेगा कैसे निकालेंगे, अच्छा ओमेगा कैसे निकालोगे, 2πf, 2πf तो है, फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या, फ्रीक्वेंसी यानी क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए तो आएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, कल ही निकाला है ना, वन बाय अंडर रूट एल सी, करो कैसे करेंगे गौरव बोलो, मैम एक्सएल अपॉन आर इज इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन आर लगा के मैम उसके बाद नीचे वैल्यू पुट करके मेरा फोर आ रहा है, एक्सएल अपॉन आर और फिर ओमेगा एल अपॉन में आर, तुम्हारे पास ओमेगा निकाला तुमने, मैम ओमेगा मैम वन मेरा ओमेगा है मैम वन अपॉन रूट में वन इंटू सिक्स पॉइंट टू फाइव, हाँ देखो ओमेगा कैसे निकाला था कल हमने, वन अपॉन अंडर रूट एल सी, तो ओमेगा आ गया सीधा, तो ओमेगा निकाल लो यहाँ से कितना आएगा, इंडक्टर कितना है, अरे क्वेश्चन नंबर
वन वन अपॉन अंडर रूट 6.25 माइक्रो फेरेड टेंस टू पावर माइनस सिक्स, वो तो वन ही है। इसका कितना पार को बाहर ले ले, पार कितना आ जाएगा 10 to the power -3 बाय वन इंटू रूट 6.25, तो 625 किस का रूट होता है भाई 25 का, ठीक है। तो अगर 0.25 into 2.5 करूं तो कितना बनेगा 625 और 6.25, तो ये किसका रूट हो गया 1 upon 2.5 into 10 to the power -3, ये आ गया तुम्हारा व्हाट ओमेगा। अब ओमेगा आ गया, क्वालिटी फैक्टर निकाल लो फैक्टर से, ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 1 upon 2.5 into 10 to the power -3 ओमेगा एल, एल यानी इंडक्टर ऊपर 1 हेनरी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 100, कितना आया 1/25 आ गया भाई, 1/25 आया कि नहीं आया, सॉल्व करो कैलकुलेशन। क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला हो गया ना ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा तुमने निकाल लिया, ये इंडक्टर वन है 1/25 कितना हो जाएगा 1/0.25 हो जाएगा ना, हाँ हम 1/0.25 आएगा ना, क्यों भाई। अच्छा ये दो है, अच्छा ये तो सिर्फ 100 ही है, तो ये तो 10 to the power -0.5 राइट, तो ये तो 1/0.25 आएगा। फोर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में एरर नहीं होनी चाहिए, देख लो मेथड तो यही है, उससे ज्यादा तो क्या ही है। सही कहा गया भाई, सही कैलकुलेशन कर दी तुमने, चार ठीक है। क्वालिटी फैक्टर कितना आया है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 4। समझ, औरों को समझ में आया कि क्या किया है? यस मैम। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए बोल रही हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर 10th करो, देखो फॉर्मूला बेस्ड है ये भी, और क्वेश्चन एलसीआर से ही आएंगे। मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, और कब पूछा है एलसी सर्किट में, कल एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था ना, चार्ज टू द कैपेसिटर इतना है तो मैक्सिमम करंट कितना होगा इन द सर्किट। अच्छा करंट किसकी वजह से था, मैक्सिमम चार्ज तुम्हें पता है, मैक्सिमम करंट बताओ। मैक्सिमम आई कब होगा सर्किट में, क्यू मैक्स होगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये फॉर्मूला है आई मैक्स एलसी ऑसिलेशन के लिए। तो एलसी ऑसिलेशन में करंट कब मैक्सिमम होगा,
तुम्हारा क्यू मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम चार्ज कितना है 2.7, ओमेगा की वैल्यू तुम निकाल लोगे, 1/ ओमेगा कौन सा है ये, ओमेगा की वैल्यू निकालो क्यू मैक्स की वैल्यू करंट एलसी ऑक्सीडेशन से। यस मैम। कितना आ रहा है? 1/2 निकालो, एल की वैल्यू भी गिवन है, सी भी गिवन है, टू मैक्स भी गिवन है। मैच करवाओ, देखो मैक्सिमम करंट इन द एलसी सर्किट विल बी यूजिंग द एसएचएम फॉर्मूला, तो आई मैक्स किसके बराबर होगा, ओमेगा क्यू मैक्स, तो तुम्हें सब चीज गिवन है, क्यू मैक्स भी निकाल लोगे, एल और सी गिवन है, 1/ अंडर रूट एल सी से सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो यू विल गेट योर 0.09 एम्पियर। आई मैक्स कितना आया, इतना। तो सिर्फ कैलकुलेशन बेस था, फॉर्मूला क्या है एलसी सर्किट में आई मैक्सिमम का, देखो वो एलसी ऑसिलेशन है तो उसमें तुम्हारे में करंट कम मैक्सिमम होगा, एंगुलर ये फॉर्मूला है क्यू मैक्स इंटू ओमेगा, पुट कर लो इसको, एक ये रहा एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन नंबर 14, ये करो LCR सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू यानी डायरेक्ट XL गिवन है, अब पूछा है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होगा कि जिससे टू मैक्सिमाइज द एवरेज रेट एट विच द एनर्जी सप्लाइड, तो एनर्जी सप्लाइड मैक्सिमम कब होगी जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी, तो कैपेसिटेंस निकालना है, कैसे निकालोगे XL इक्वल्स टू XC करोगे, XL इक्वल्स टू XC कितना हो जाएगा 1/ ओमेगा C, बोलो ओमेगा गिवन है, इंडक्टर XL भी गिवन है, तुम्हें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है, माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस निकालना है, C निकालिए, तो देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहां से सीधे फॉर्मूला बेस्ड उठा के आया है, ओमेगा कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी बात कैसे निकालोगे ओमेगा, XL इक्वल्स टू ओमेगा L होता है, XL कितना गिवन है 79.6, क्या तुम्हें इंडक्टर की वैल्यू गिवन है, ओमेगा यहाँ पे 50 रख दो, इंडक्टर
बोलो सुरेंद्र कैसे निकालोगे ओमेगा? क्या कर रहे हो? तो आपस में बातें कर लो, पढ़ो मत। पढ़ने का तो है ही नहीं, बस मैडम पढ़ा देंगी, हमें पढ़ना ही नहीं है। चलो दिया बताओ, स्पर्श बताएगा, स्पर्श बताएगा। स्पर्श कहाँ गए तुम? बोलो कैसे करेंगे इस 14th क्वेश्चन को? रेजोनेंस कंडीशन लगेगी, ओमेगा निकालना है 2π μ। सिमिलरली ऐसी 15th क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है? एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो एलसीआर सर्किट में ये वैल्यूज इनपुट करी गई है, तो इनपुट वोल्टेज ये है, तो पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट कितना होगा। करंट कैसे निकालोगे? वी नॉट अपॉन जेड, और जेड निकालना आता ही है। जेड किसके बराबर होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। तो एक्सएल की वैल्यू भी गिवन है और एक्ससी की वैल्यू भी गिवन है, और वी नॉट भी गिवन है, कितना? 2500। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, एक इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर तीन सर्किट है कनेक्टेड विद अ सीरीज। इफ द करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ। अब क्या बोला है कि जो करंट है वो ईएमएफ के फेज के साथ ही है, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और फेज डिफरेंस कब नहीं होता एलसीआर सर्किट में? वोल्टेज और आर के बीच में कब नहीं होगा फेज डिफरेंस? जीरो कब होगा? कैसा सर्किट होगा? एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन, क्योंकि सर्किट कैसे बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा? कोई फेज डिफरेंस नहीं होता आई एंड वी के बीच में। तो तुम दिमाग लगाओगे कि ये रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा है, और रेजोनेंस कंडीशन में करंट कितना होता है तुम्हारा? मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो जाएगी? तो 220 वोल्ट ये आरएमएस, और डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 20 ओम। कितना कर दोगे? 220 डिवाइडेड बाय 20, तो √22। एक्स कितना आ गया? 22। बस ये चीजें कॉमन कॉमन चीजें हैं। सर एक बार देख लेते हैं भाई, 10th 11th 12th का क्या है, जो पता है तुम लोगों ने सॉल्व तो करा ही नहीं होगा। रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 रखी, और यहां से तुम्हें क्या मिल गया? कैपेसिटर की वैल्यू मिल गई। या ओमेगा निकाल लेते जो मैं बोल रही थी, क्या 2πf करके, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देते तो वो भी सीधा निकल आता। ठीक है, इतना आसान सा था। सेम यहाँ पे किया है वी नॉट बाय जेड, वी नॉट की वैल्यू जेड ये तुमने निकाल लिया, और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखो यही आया,
220 बाय 20 कितना आ गया, ये आई आर एम एस आया था और यहाँ से आई मैक्स आ गया 11/√2। हाँ 220 बटे 20 हमने क्या निकाला है, 22 निकाला है। अच्छा रूट तो आया ही नहीं ना, देखो एकदम आसान आसान वन वन वर्ड के आंसर है, एक एक लाइन के। ये कौन सी वैल्यू होती 220 आरएमएस, तो ये तुमने क्या निकाल लिया 11, 22 बटे 2 ये आ गई तुम्हारी आरएमएस की वैल्यू। अब तुम्हें मैक्सिमम निकालना है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कर, टाइम दो और ये वाला क्वेश्चन करो, केवीएल लगाओ इसमें, सिर्फ केवीएल लगाना है, करंट की डायरेक्शन भी लगा दो। चलो बच्चों इसे करो, सभी करेंगे इसको, सारे बच्चे अप्लाई केवीएल। केवीएल लगाओ, बताओ इस रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में चल रही हूँ तो रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज क्या होगा, प्लस का या माइनस का। बोलो बोलो ऐसे इंडक्टर का करोगे, इंडक्टर का मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो अभी मैं अगर लूप इसी डायरेक्शन में लगाऊं तो इंडक्टर इस रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज कितनी आएगी, माइनस आई आर, क्योंकि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव गई। उसके बाद इंडक्टर का वोल्टेज लिखना है तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हूँ तो दोबारा नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर में वोल्टेज ऐसे ही लिखते हैं। ओके अब दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो क्या नेगेटिव का कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट, यही इन दोनों का डिफरेंस है। वैल्यूज रख दो, आई की वैल्यू कितनी है 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 12, माइनस एल डी आई बाई डी टी कितना गिवन है माइनस 1, तो देखो इसमें कुछ था भी, माइनस 12, सॉल्व करो कितना आ रहा है ये मैम, 30 आ रहा है टोटल, मतलब आंसर इंडक्टर की वैल्यू भी तो आएगी कितनी है 6 प्लस का 6 और ये कितना है माइनस का 12। तो कितना आ गया ये 30 वोल्ट आ गया है ना, माइनस का 30 वोल्ट है यानी पोटेंशियल कुछ उल्टा आया होगा, वी बी माइनस वी ए कुछ ऐसा आया होगा, तो क्या आंसर आया 30 वोल्ट, वेरी गुड। तो इसमें देखो क्वेश्चन भी ऐसा पूछा है कि जो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से उठ के आया है, तुम्हें तो यहाँ क्या ही कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ भी नहीं। अगला करो 19वां करो, सेम क्वेश्चन आ गया देखो 2023 में फिर से, मैक्सिमम करंट ड्रोन
मैक्सिमम करंट कब ड्रॉन होता है सर्किट से? सर्किट से मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में आएगा एलसीआर में? रेजोनेंस कंडीशन में। रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम करंट पूछा है, कितना हो जाएगा? वी नॉट बाय जेड। जेड कितना है? रेजिस्टेंस की वैल्यू। वी नॉट कितनी है? गिवन है क्या? अच्छा पूछा था वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन। तो बस फिर से दोबारा एक्स इक्वल्स को एक्सेप्ट करना है, यहां से तुम्हें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो देख रहे हो तुम, कुछ भी फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सारे। मैंने 2023, 22, 21 सारे देखे हैं। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, 23 का सवाल देखो, पढ़ना एक बार 23 का क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें मजा आएगा करने में भी। एक बार सोचो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि तीन रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू इतनी है और दो इंडक्टर हैं जिनकी वैल्यू इतनी है, सबको कनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी जो कि 12 वोल्ट की है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बैटरी में कितना करंट आएगा जैसे तो आप क्लोज कर देंगे, स्विच को क्लोज करते ही कितना करंट आएगा ये पूछा है, तुम बताओ। देखो बैटरी कौन सी है? डीसी। अब मुझे बताओ डीसी में इंडक्टर कितना ऑफर करता है एक्सेल? डीसी के लिए मैंने बताया आई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, यही होता है ना ओमेगा एल। यस मैम। जीरो। और तुम्हारे डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो मतलब इंडक्टर का तो मुझे कुछ काम ही नहीं है, इंडक्टर को तो डीसी के लिए करंट वो रेजिस्टेंस देगा ही नहीं, तो चुपचाप इन तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर दो। देख ये आर कितना हो गए पैरेलल में, आर बाय थ्री, तो आर बाय कितना है 120/3, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 40 ओम। तो आई कितना है 12, रेजिस्टेंस कितना है 4, कितना ओम 3 एम्पियर। कुछ था इस सवाल में, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डीसी के लिए इंडक्टर जीरो होगा। अच्छा अगर यहाँ कैपेसिटेंस आ जाता तो बता, अगर यहाँ पे वो कैपेसिटर दे देता और ये होती तुम्हारे पास बैटरी किसकी, डीसी बैटरी, तो ये कितना वो देता कैपेसिटेंस, इनफाइनाइट, यानी करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं और बाकी बहुत आसान है। यहाँ भी देखो क्वालिटी फैक्टर पूछा है और बैंडविड्थ का रेशियो, रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ, कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है? क्वालिटी फैक्टर तो किसी से भी निकाल लोगे, ओमेगा एल बाय आर है ना, ये लगा लो, क्वालिटी फैक्टर तो आ ही गया। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है भाई, उसका F1-F2 था पर वो 1/2 कितना आया था 1/2 सीरीज के लिए, जब हमने देखा था कि रेजोनेंस कंडीशन में कितना आया था 1/2 आर अपॉन एल बाय एल है ना, ये तुम्हारी पर वो था रेजोनेंस कंडीशन के लिए। क्या इस क्वेश्चन में रेजोनेंस है? ये 27 माइक्रोफेराड है और ये 3। एक बार पहले देखो कि रेजोनेंस सेटअप हो रहा है कि नहीं, रेजोनेंस सेटअप कब होगा जब एक्स इक्वल्स टू एक्सएल होगा। देखो ओमेगा एल कितना आ गया तुम्हारा, ओमेगा की वैल्यू देख लेते ना, मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला तुम्हें कौन सा लगेगा। देखो ये रहा क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में, सबसे सुटेबल फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ये होगी तुम्हारी बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, तो यही फॉर्मूले हैं दो, आराम से लगा लेना। ओमेगा निकाल लेना 1/√LC करके,
सबसे पहले ओमेगा निकलेगा, ओमेगा यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये तुम्हारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और डेल एफ यानी जो बैंड विड्थ होगी डेल एफ वो क्या होगी, 1/2 πr/l। तो तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई, 1 और 2, दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ क्वालिटी फैक्टर में काम आएगी ना ओमेगा। बस देख लो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कोई क्वेश्चन है करने लायक बोलो? तो तभी मैं कह रही हूँ दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी, एक बारी में पढ़ोगे तो आंसर कर ले जाओगे। सुरेंदर तो कभी पढ़ने आता ही नहीं, मजाक में रहता है, इसकी बात में बच्चों तुम ध्यान मत दिया करो, ये चुपचाप चुपचाप पढ़ लेता है सुरेंदर, बहुत तेज बच्चा है ये। सुरेंदर तेरा माइक नहीं चल रहा क्या आज? तो माइक नहीं चल रहा, वरना ये शांत तो रह ही नहीं सकता। नेटवर्क इशू है, ठीक है। हमारी आवाज तो आ रही होगी ना? ठीक है, चलो बाय एवरीवन। एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है और इजी भी है। तो अगली क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, एक पूरा ग्रंथ है वो भी।